रेखा और अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्सी को सभी जानते हैं, लेकिन एक ऐसा मौका आया जब ऐश्वर्या राय ने रेखा को कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्क्रीन। आज हम आपको बताएंगे रेखा और ऐश्वर्या के रिश्ते का बड़ा सच। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं। रेखा और ऐश्वर्या का रिश्ता बहुत ही गहरा था, इतना गहरा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए मरते थे। यही वजह थी कि जब रेखा और ऐश्वर्या एक साथ एक मंच पर मिले तो ऐश्वर्या जो निजी ज़िंदगी में रेखा को कहा करती थी वो उनके मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। रेखा ने एक ख़त में ऐश्वर्या के कई किरदारों पर बात की और कहा कि तुम हर रोल बखूबी निभाती हो, फिर वो रियल लाइफ से जुड़ा हो या रियल लाइफ से। उन्होंने लिखा था, तुम्हारे जैसी महिला उस नदी की तरह होती है जो बिना किसी बनावट के आगे बढ़ती रहती है। वो अपनी मंजिल पर इस इरादे के साथ पहुंचती है कि वो अपनी पहचान खोने नहीं देगी। भले ही लोग ये भूल जाएं कि तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि तुमने उन्हें कैसा एहसास कराया। तुम हिम्मत की, भले ही लोग ये भूल जाएं कि तुम किस तरीके से आगे बढ़ रही हो, तुम हिम्मत करते हुए जीती जागती मिसाल बनी हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो, तुम्हें दुनिया में किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, कई रुकावटों को पार किया और आश्चर्यजनक रूप से ऊंचाई हासिल की। रेखा ने आखिर में लिखा था, जितने भी रोल तुम्हें मिले तुमने उन्हें बेहतरीन तरीके से निभाया, लेकिन आराध्या की अम्मा का तुम्हारा किरदार मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। तुम्हारे लिए बे इंतहा खुशी की दुआ करती हूँ, बहुत सारा प्यार, जीते रहो रेखा। ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे था और बर्थडे पर सब लोगों ने याद किया, तो रेखा ने भी उन्हें याद किया। एक्ट्रेस के बर्थडे के खास मौके पर उस किस्से के बारे में उन्हें याद आया जब एक अवार्ड शो में ऐश्वर्या ने रेखा को माँ कहा था। बता दें कि ऐश्वर्या और रेखा के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। ऐश्वर्या रेखा को माँ कहती हैं। एक बार फिल्म जज्बा के लिए जब रेखा ऐश्वर्या को अवार्ड दे रही तब एक्ट्रेस ने कहा था, माँ से इस पुरस्कार को पाना सम्मान की बात है। रेखा ने भी जवाब दिया, उम्मीद करती हूँ कि कई सालों तक आपको पुरस्कार देती रहूँ। वहीं रेखा ने एक बार ऐश्वर्या के लिए इमोशनल खत लिखा था जो हमने आपको अभी बताया। रेखा ने ऐश्वर्या के नाम एक मैगजीन में इमोशनल लेटर लिखकर अपना प्यार जाहिर किया था। इमोशनल होते हुए उन्होंने इस खत की शुरुआत मेरी ऐश लिखकर की थी और अंत खुद को रेखा माँ बताकर किया था। और यही बात थी कि जब ऐश्वर्या रेखा को अवार्ड देने के लिए पहुंची तो उस वक्त ऐश्वर्या ने डिकोड करते हुए कहा कि माँ से अवार्ड लेना सम्मान की बात है। फिर क्या था, रेखा वहीं पर इमोशनल हो गई और उनका दर्द छलका और इस दर्द को पूरे बॉलीवुड ने देखा। उसके बाद कई तरह की बातें होने लगी। अमिताभ और रेखा को लेकर लोग कुछ न कुछ बोलने के लिए मौके की तलाश करते हैं और वो मौका उन्हें यहाँ पर मिला। अभिनेत्री इमोशनल तो हो गई, लेकिन ये इमोशन उनका अब तक जुड़ा हुआ है। आप रेखा और अमिताभ को किस तरीके से देखते हैं और जो कुछ भी उनके जीवन में घट रहा है इस पर जो भी हो आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।